तो दिस क्वेश्चन जिसमें दिया क्या है, द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी. तो देखो अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा और बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन बची कहाँ, फिर तो स्ट्रेट लाइन बची ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो आपने जीरो कर दिए, ठीक है. अब तो ये क्या हुआ, अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एक पॉइंट है जो कि है जीरो कॉमा जीरो, ठीक है. अब ओनली वेन ए इज इक्वल टू जीरो, ओनली तो नहीं, ओनली वेन बी इज इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, ठीक है. ओनली वेन एटलीस्ट वन ऑफ द ए एंड बी इज नॉन जीरो, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ए और बी में से कोई एक ना एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है. अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो या तो ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा या बी को नॉन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है. मान लो ए इज इक्वल टू जीरो है लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें अपनी इक्वेशन कैसी बनेगी, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन अपन को दिखा रही है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो अपना क्या है, जीरो है, ठीक है. सो दिस आर रिक्वायर्ड आंसर.